जनपद जालौन के कोंच प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन कल्याण समिति द्वारा नगर के कमला नेहरू बालिका इंटर कॉलेज में निशुल्क कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ किन्नर सलमा बाई ने किया। यह आयोजन ग्रीष्मावकाश में बच्चों को कई तरह के कार्यक्रम में नाटक, गाने, सांस्कृतिक नृत्य एवं कला, मेहंदी आदि प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मृदुल दांत्रे ने बताया कि संस्था बच्चों को प्रतिभावना बनाने के लिए एक छोटा सा प्रयास करती है। कार्यक्रम लगभग एक महीने चलता है। इस अवसर पर किन्नरों ने संबोधित करते हुए बताया कि लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए अपने स्तर से प्रयास करेंगे और जितना भी हो सके बच्चे उतना प्रतिभावना बने, क्योंकि वह देश का उज्जवल भविष्य है। अच्छा, यहाँ पे जो दर्पण कार्यक्रम ये चलता है, ये कितने दिनों का चलता है? यहाँ पर आप बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं? ये दर्पण जनकल्याण समिति द्वारा ग्रीष्मकालीन निःशुल्क नाट प्रशिक्षण कार्यशाला एक माह का यह प्रशिक्षण कमला नेहरू इंटर कॉलेज में, जिसका आज शुभारंभ किया गया। और इसमें नगर के न केवल बच्चों को बल्कि युवाओं को नाटक, गायन, वादन, किले आर्ट, कोरियोग्राफी, एंकरिंग, मेहंदी, रंगोली और रंगमंच की वो सारी विधाएं जिससे बच्चे एक्टिव हो सके निःशुल्क सिखाई जाती है। मुख्य उद्देश्य क्या रहता है इस कार्यक्रम का, आपका क्या आपका? एक मुख्य उद्देश्य इसका यह रहता है कि समाज में जो तमाम भेदभाव हैं, समाज में तमाम समस्याएं हैं, उनको रंगमंचीय कलाओं के माध्यम से, बच्चों की एक्टिवनेस के माध्यम से कैसे दूर किया जा सके, समाज में जो सामाजिक समरसता है वो कैसे बनाई जा सके, और बुंदेलखंड की जो कलाएं हैं, कोंच की जो कलाएं हैं, कोंच के जो कलाकार हैं, उनका संरक्षण किया जा सके। चाहिए तो आपके द्वारा सभी निःशुल्क बच्चों को सिखाया जाता है? बिल्कुल, ये निःशुल्क नाट प्रशिक्षण कार्यशाला है। एक माह में करीब नगर के 250 बच्चे लगभग इस कार्यशाला में पार्टिसिपेट करते हैं। और पिछले लगभग 10 वर्ष से हमारे प्रशिक्षण साथी सूर्यदीप सोनी, शिवानी श्रीवास्तव, दीपक सोनी, अमित और इस कार्य पूरे से कार्यशाला के संयोजक ऋषि झा, शुभम झा, सुमित, अमन सक्सेना, शिवांग और पूरी दर्पण टीम, बहुत सारे नाम हैं, सभी हमारे प्यारे बच्चे, सभी का एक छोटे से बच्चे से लेकर प्रशिक्षण देने वाले और हम लोगों का सहयोग करने वाले सभी लोग समिति के अंग हैं। सभी लोगों के एक साथ परिवार की तरह हम लोग सब काम करते हैं। हम बच्चों की एक ही सांस। दर्पण के कार्यक्रम में आपको क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या सिखाया जाता है? हमें यहाँ पर सिंगिंग, क्ले आर्ट, एक्टिंग, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं एवं बहुत अच्छी तरीके से सिखाई जाती हैं। बिल्कुल झिझक मिट जाती है यहाँ पर आकर, हम लोग मंच पर बिना झिझके परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजें आपको निशुल्क सिखाई जाती हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर सारा मतलब निशुल्क ही सिखाया जाता है और अच्छे से सिखाया जाता है। कितने दिन चलता है यहाँ पर सिखाने? ये यहाँ पर एक महीने चलता है। हम बच्चों की एक ही साथ।